मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया है, जिसको लेकर हर जगह खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यादव समाज में भी जश्न का माहौल है। इसी के चलते नोएडा में एक यादव समाज की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान MLC, प्रदेश महामंत्री BJP, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा सुभाष यदुवंशी ने शिरकत की। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया, साथ ही कहा कि लोकतंत्र में किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। धन्यवाद मोदी कार्यक्रम का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, किस उपलक्ष्य में रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, नोएडा और गाजियाबाद आसपास के जो यादव समाज के लोग हैं वो इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने इस समाज के एक कार्यकर्ता श्री मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो पूरे देश भर में इससे समाज में खुशी की लहर है। तो यहाँ का जो समाज है, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। फिर इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं लखनऊ से चलकर इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ। जिस तरीके से एक पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में दावा करती है कि ये समाज जो है उसका है, वो उसकी हितैषी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी किसी समाज की पार्टी नहीं है, वो अपने परिवार की पार्टी है। उसके पास जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 57 नेता उस समाज के, पहले उसके घर में अपने घर के लोगों को वो नेता बनाते हैं, तब जाकर के समाज के बाहर की बात करते हैं। और मैं इससे बड़ी बात आपको बताता हूं कि समाज के लोग उसे अपने समाज का कहते हैं जो रोटी और बेटी का संबंध रखता है। उनका वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि कोई इस यादव समाज का व्यक्ति को अपने खाने की टेबल पर बैठाकर पूरे प्रदेश में ना भोजन कराते हैं। और आप देखिए, जब आप इसकी बात करते हैं तो उनसे जरा पूछिए कि अभी उनके घर में पिछली 5-6 जो शादियां भी हुई हैं वो इस समाज के घरों में नहीं करते हैं, वो कहीं और करते हैं। तो जिसका रोटी बेटी से ही संबंध नहीं है वो किस प्रकार समाज पर दावा करता है केवल वोट बैंक के लिए। और उनके कारण पूरे प्रदेश भर में जो लोग उनके समय अराजकता था, सड़कों पर गुंडई होती थी, और ये पहचान उन्होंने बनाने की कोशिश की यादव की। जबकि यादव तो कृष्ण का वंशज है, वो तो प्रेम पूरे दुनिया में फैलाता है, वो दूध दही की नदियां बहाता है, और वो गाय काटने वालों के साथ वो लोग रहते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा के लिए अपना पूरा आंदोलन चलाती है। ये अंतर है उनमें और हमारे और पूरे यदुवंशी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आजकल पीडीए की बात कर रहे हैं, उनका तो पीडीए, आप कितनी हास्यास्पद बात है। आप देखिए कि कमलनाथ को वो गाली देते हैं और कमलनाथ उनको गाली देते हैं। दोनों लोग मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहे हैं और कैसे असंवैधानिक भाषा का एक दूसरे के प्रति प्रयोग करते हैं कि नर्सरी के बच्चे शर्मा जाए इस पर। तो ऐसे लोगों का क्या भविष्य है, वो आप देख ही रहे होंगे। और जो 3 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, उसने इन लोगों के विकट की गिल्लियां उड़ा दी हैं और इनके मन में दहशत पैदा हो गई है। अब ये प्रलाप कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक इधर उधर जा करके, बाकी इनको भी पता है कि इनको अपना भविष्य तो समझिए, इनकी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ। इंडिया गठबंधन पे क्या कहेंगे? घमंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैंने घमंडिया गठबंधन की ही बात की कि आप देखिए कैसे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अभी इनका पूरा परिणाम आपने 3 प्रदेशों में देखा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम सब लोग घमंडिया गठबंधन को 0 पर ला करके छोड़ने का काम करेंगे। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश के लोग 80 में 80 सीटें जिता करके देने का कार्य करेंगे। 2024 चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें पर विजय प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, बहुत धन्यवाद।